जरा सी आफत होती है। सुनील, क्या बात, बार बार फोन करके इतनी रात को मुझे यहाँ बुला लिया? सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सर, क्या बताना चाहते हो? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप तो इस बिल्डिंग में प्रेस को रिनोवेट करके शुरू करना चाहते हैं ना सर? हाँ। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। गड़बड़? गड़बड़ यहाँ नहीं, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है। सारी वायरिंग्स बदल दी गई है, सारे परमिशंस मिल गए हैं। गड़बड़ क्या हो सकता है? कोई है सर वहां पर। कौन है सर? कोई आत्मा। क्या है ये? कौन है ये? कोई प्रॉब्लम है मिस्टर सुनील? क्या कौन है सर? वहाँ कोई है सर। कौन है सर? मैं जा रहा हूँ सर। कहाँ कोई है? सुनील सर, मैं जा रहा हूँ सर। कौन है वहां? कोई भी तो नहीं। ये सुनील पागल हो गया है क्या? मशीन अपने आप कैसे शुरू हो गई? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा? खबर छाप रहा हूँ। प्रिंटिंग प्रेस अभी शुरू नहीं हुई है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? प्रेस तो चालू हो गई ठीक है साहब, अब इस खबर को छपने से कोई नहीं रोक सकता। कल की ताजा खबर देखोगे? ये क्या है? ये सब क्या बकवास है? मेरी मौत की खबर? अरे मैं क्यों मारूंगा? मौत का अखबार लौट आया है। खबरें फिर छपनी शुरू हो गई हैं। अब उन सबको कौन बचाएगा? Dad, good morning. Dad, good morning. Good morning, sweetheart. College? इतनी जल्दी? हाँ Dad, वो आज मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो I'll have to rush. Good. मेरी गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। Okay, Dad. You take care. Have a great day. Thank you. And all the best. Thank you. हरी, हरी। आया मैम। अरे जल्दी चलो, एग्जाम्स के लिए लेट हो जाऊंगी। जी मैम। बाय पापा। बाय बेटा। Have a good day. सेम नॉनसेंस स्टफ। हीरो का कुत्ता भाग गया, हीरोइन के पेट में दर्द है। ऑल सेम नॉनसेंस। ये इन जनरलिस्ट को क्या हो गया? सेम न्यूज एवरीवेयर। की खबर आरे प्रेस मीडिया, ये कैसे हो सकता है? ये दोबारा कैसे छप सकता है? किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। मेरा फोटो कल प्रातःकाल 10 बजे प्रसिद्ध उद्योगपति केसरी लाल ने की आत्महत्या। ये तो कल की तारीख है। मैं क्यों मारूंगा अपने आप को? मैं क्यों आत्महत्या करूंगा? 10 तो बजने वाले हैं। हेलो 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 अनीश। हाँ हाँ बोलो अनीश, वो फिर आ गए। कौन? वो फिर आ गए। क्या हुआ केसरी? कौन वापस आ गया? क्या बोल रहा है तू? खून की खबर अनीश, खून की खबर। खूनी खबर? हाँ। इतने सालों बाद ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। मेरे घर आज न्यूज़पेपर आया है कल की डेट का। उसमें लिखा है मैं आज आत्महत्या करने वाला हूँ। अनीश, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। केसरी, कुछ नहीं होगा तुझे, डर मत। समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेपर दोबारा कैसे आ सकता है? प्रिंटिंग प्रेस तो। अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तेरे पास तो कोई अखबार नहीं आया ना? नहीं, पर तू भी रिस्क मत ले। घर से निकल अभी क्या भी, और यहाँ जा मेरे घर, समझा? हाँ हाँ मेरे पास है, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हुई? इसलिए भी अभी बंद होना था। आज की ताजा खबर, मशहूर उद्योगपति केसरीलाल ने किया आत्महत्या। ये देखिए। सब मैडम प्लीज मैडम प्लीज मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। हाँ मैं छोड़ देती हूँ। प्लीज जल्दी चलिए। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं मैडम प्लीज थोड़ा तेज चलाइए, मुझे 10 बजे से पहले कहीं पहुंचना है। हाँ मैं तेज चलाती हूँ। अरे ये क्या, तुम तो वापस मुझे मेरे ही घर पे ले आई। आज तुम कहीं नहीं जा सकते केसरीलाल, तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। हरिया, देवीलाल कहाँ मर गए साहब? हरिया, देवी, मरूंगा नहीं मैं। गोली मार दूंगा। सोनिया बेटा हिम्मत नहीं हारते, संभालो खुद को। सोनिया, अंकल देखिए ना पापा को क्या हो गया। पता नहीं अंकल पापा को कैसे क्या हो गया। सोनिया बेटा अपने आप को संभालो बस। आंटी वो सुबह ठीक थी, मैं कॉलेज गई तो वो बिल्कुल ठीक थी। I can understand. Stop crying बेटा। बेबी जी क्या हुआ? ये देखिए, ये आज मुझे कार्टन में मिला अभी। पापा की मौत की खबर। अरे भाई साहब की मौत की खबर उनके मरने से पहले कैसे छप सकती है? क्या? हाँ ये देखो कल की डेट छपी हुई है। नहीं ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अंकल बताइए क्या नहीं हो सकता अंकल? अनीश क्या नहीं हो सकता? तुम क्या बोल रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अनीश मनवा चलो। हाँ? चलो यहाँ से। अंकल कहाँ लेकर आए हो अनीश? कौन सी जगह है ये? कुछ बताते क्यों नहीं? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं ये प्रेस फिर से कैसे शुरू हो गई। मतलब? चलो हुआ साहब, इतने सालों बाद अपनी खबर छपवाने आए हैं क्या तुम अब भी यहीं हो? मैं कहाँ जाऊंगा साहब, एक बार जहां का हो गया वहीं का होकर रह गया। बस यहीं रहकर सबकी खबरें पढ़ता रहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? अनीश! कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? अनीश छोड़ो उसे, छोड़ो। क्या हो गया है तुम्हें? इस प्रेस में कोई खबर नहीं छप सकती, सब खत्म हो गया सालों पहले। सब खबरें तो छपेंगी और छपती रहेंगी। अगर यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। यहाँ तो अभी सब बंद है, फिर खबर कैसे छप सकती है? तुम कहाँ लेकर आए हो अनीश? किसकी प्रेस है ये? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मनवा चलो, चलो यहां से। कहां जा रहे हैं साहब? पेपर तो पढ़कर जाइए। खूनी खबर लौट आई है, आज की ताजा खबर बस छपने ही वाली है। चलो यहाँ से चलते, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज चलो यहाँ से। नहीं मनवा, मैं देख के रहूंगा कि ये खूनी खबर छाप कौन रहा है। केसरी लाल को बाहर तुमने भेजा था ना? बंद कर टाइपिंग। बंद कर टाइपिंग। दिख नहीं रहा, खबर छाप रहा हूं। भागो मनवा, चलो भागो, निकलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है अनीश? नहीं मनवा, मनवा मुझे मरना नहीं है, चलो भागो यहाँ से। चलो, चलो। ये प्रेस यही वो जगह है जहां मेरे पापा की मौत का रहस्य खुल सकता है। कौन है वहां पे? मैं पूछती हूँ कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है वहाँ? बोलती क्यों नहीं? कौन है वहाँ? मैं पूछो कौन है वहाँ? चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे जानना है कि मेरे डैड की मौत की खबर इस पेपर में कैसे छपी, और जब तक मैं ये नहीं जानूंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। जानना चाहती हो तो जाओ, उस अनीश से पूछो कि मौत की खबर क्यों छप रही है। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जाओ, चली जाओ। प्लीज टेल मी अनीश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे सच सच बताओ, वहां हमने जिसे देखा वो एक आत्मा थी ना? अनीश, हम वहां क्यों गए थे? अरे मुझे क्या छुपा रहे हो, बताओ अनीश, कुछ तो बोलो। मनवा, अभी अभी कुछ मत पूछो, हमें यहां से निकलना है, हमें निकलना है। हेलो पापा, मैं और मनवा यहां से निकल चुके हैं जी, मैंने फ्लाइट की टिकट कर ली। पापा प्लीज अभी कुछ मत पूछिए, प्लीज मैं आके सब। इस वक्त कौन हो सकता है अनीश? तुम रुको, मैं देखता हूं। इसकी हत्या रात 8 बजे हुआ, ये हत्याकांड। अनीश, क्या हुआ अनीश? मनीष, इस पर कल की डेट है, मतलब ये आज होने वाला है। क्या हुआ अनीश, तुम ऐसे क्यों घबरा रहे हो? दूर हो, दूर हो। क्या लिखा है इस न्यूज़पेपर में? मेरे पास मत आना, तू दूर हो। अरे तुम ऐसे क्यों भी है? तुम मुझे मार दोगी, तुम मेरा खून कर दोगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं क्यों मारूंगी? दूर हो मुझसे। अनीश, चलो हम लोग भी निकलते हैं। सब लोग चले गए, 8 बजने वाले हैं। बस यार कंप्यूटर शट डाउन कर लूँ फिर निकलते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आप यहाँ पे? तुम दोनों इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? बस सर हम ऑफिस बंद करके निकल ही रहे थे। ऑफिस मैं बंद कर दूंगा, तुम निकलो। ये सर को क्या हो गया? पता नहीं यार, अजीब टेंशन में लग रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? वो आ जाएगी, तू जा यहाँ से, निकल। कौन आ जाएगी? किसकी बात कर रहा है तू? कुछ हुआ है क्या? पर तुम इतने डरे हुए क्यों? कुछ बताओ क्या हुआ? ये देखो बड़ी से, आज 8 बजे मेरा खून होने वाला है। मेरी बीवी मुझे मार देगी, इसलिए मैं डर के यहाँ आ गया। मुझे उसके हाथों नहीं मरना। तू जा, मुझे दरवाजा लॉक करना है। तू जा। तुम ये क्या कह रहे हो? देखो कोई भी अखबार वाला ऐसे भविष्य नहीं बता सकता। कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। रिलैक्स हो जाओ, चलो घर चलते हैं। छो मत मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बनना नहीं है। तुम जाओ, तुम निकलो। अरे अनीश क्या, चल निकल यहाँ से। मिनट बाकी। अनीश, अनीश, अनीश कहाँ हो तुम? ये यहाँ कैसे आ गई? अनीश, अनीश कहाँ हो तुम? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझे मारना चाहती हो। अनीश मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें क्यों मारूंगी? अनीश मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोलो। अनीश, अनीश, अनीश मुझे डर लग रहा है। अनीश दरवाजा खोलो। अनीश I love you, मैं तुम्हें क्यों मारूं? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ, चलो। मनवा हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आओ आओ मेरे साथ। मनवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मरना नहीं है मनवा, मुझे बहुत डर लग रहा है मनवा, मुझे मरना नहीं है। कुछ नहीं होगा अमीर। मनवा मुझे मरना नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम हो ना? हाँ हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। मनवा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मनवा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम रहोगे ना मेरे साथ? हाँ हाँ तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मनीष तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मनवा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर देना मनवा। किस बात की माफी मांगते हो अनीश? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा, कैसे? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अनीश। तुम्हें जाना होगा मनवा, अगर मुझे जीना है तो तुम्हें मरना होगा मनवा। तेरी मौत छाप चुकी थी, पहले केसरी और अब तू। कल कोई और मरेगा, एक एक करके तेरा सबकी खबर छपेगी, सब मरेंगे। अब ये अखबार कभी बंद नहीं होगा। तुम यहाँ वापस क्यों आ गई? प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे बचा लीजिए। मैं माना नहीं चाहती प्लीज। उसने मेरे डैड और अनीश अंकल को जान से मार दिया। मैं अपने मौत की खबर छपने से रोकना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए प्लीज। खूनी खबर को छपने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस बिल्डिंग को जला दूंगी, इस प्रेस को खत्म कर दूंगी। खबर बनने से पहले ही आ गए, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। यही है ना वो प्रिंटिंग प्रेस जिसने मेरे पापा की जान ली, जिसने अनीश अंकल को मार दिया। मैं इस प्रिंटिंग प्रेस को खत्म कर दूंगी, इसे जड़ से मिटा दूंगी। रुको, प्रेस को हाथ मत लगाना। फिर पता है आपको इस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सब कुछ पता है। इसने मेरे पापा को मारा, मेरे अनीश अंकल को मुझसे छीन लिया। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ? जानना चाहती हो तो सुनो। आज से कई साल पहले ये नील कमल पब्लिकेशन नहीं था, आर्य पब्लिकेशन था। 3 लोग इसके मालिक थे, अनिल, दीपक और कोनिका। तीनों पत्रकार। काम कुछ चल नहीं रहा था तो तीनों ने एक अजीब सा रास्ता चुना, खूनी खबर नाम का अखबार छापना शुरू किया। ये अखबार लोगों की मौत और घातक दुर्घटनाओं के होने से पहले ही छाप देता था। तीनों ने मिलकर गलत काम करना शुरू किया ताकि खबर बने और वो उसे छाप सके। पर इन सब चीजों से मेरे डैड का क्या लेना देना? उन्हें क्यों मारा? केसरी लाल और अनीस भी उसी आर्य पब्लिकेशन में काम करते थे। जब उन्हें इन तीनों के बारे में पता चला तो उन्होंने इन्हें रोकना चाहा, पर वो कहां रुकने वाले थे। ये देखो दीदी, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। धमाल हो जाएगा, तहलका मच जाएगा। और अरे साहब सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे साहब रुकिए ना, अरे साहब मेरी बात तो सुनिए। तू भी मिला हुआ क्या लोगों से? साहब अरे तुम लोगों की असलियत पता चल गई। बंद करो ये अखबार छापना, हो गया बहुत। ये अखबार छापना बंद करो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? केसरी लाल और अनीस की धमकी के बाद उन तीनों ने केसरी लाल और अनीस को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। वो तीनों इन दोनों को मारे। केसरीलाल और अनीस ने प्रिंटिंग प्रेस को जला दिया, ये सोचकर कि जब प्रिंटिंग प्रेस जलकर राख हो जाएगा तो उसके साथ ही ये खूनी खबर छपना भी बंद हो जाएगा। लेकिन केसरीलाल और अनीस को ये नहीं मालूम था कि जब प्रेस को आग लगाई तो वो तीनों प्रेस के अंदर ही थे। प्रेस के साथ साथ वो तीनों भी आग में झुलस कर दर्दनाक मौत मारे गए। और जब डीके ने इस प्रेस को खरीद कर फिर से चालू करवाया तो वो तीनों वापस आ गए और खूनी खबर के छपने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। ये सब जानते हुए भी आप इतने साल यहाँ क्यों रुके रहे? आपने कुछ किया क्यों नहीं? करते कैसे? मरने वाले 3 लोग नहीं, 4 लोग थे। चौथा मैं था। तुम्हारा वक्त आ चुका है। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। लगता है इसे पैनिक अटैक फिर से आ गया है। ज्योति, मुझे अपने साथ मत लेके जाओ, हेल्प मी। ज्योति दरवाजा खोलो बेटे। ज्योति ज्योति तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा बच्चा, खोलो मामा ये ज्योति। ज्योति कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटा, दरवाजा खोलो। प्लीज प्लीज होमो कबा प्लीज मुझे मत लेके जाओ अपने साथ प्लीज। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ज्योति छोटी ज्योति फोन क्यों नहीं उठा रही, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। बेबी बिजी होगी, मिल जाएगा, क्यों टेंशन लेती हो। कोई भी नहीं है। वो मुझे मार डालेगा। अरे शालिनी कोई भी नहीं है, नहीं। यही पे था। कोई भी जान से कोई भी नहीं है पीछे। मैंने उसको अभी देखा। कोई नहीं। नहीं मैंने सच्ची उसको देखा। वो यहाँ पे था। वो मुझे मारने आया, मुझे पता है। वो मुझे मारेगा। कोई भी नहीं। अरे कोई नहीं शालिनी, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। देखो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शालिनी शालिनी रिलैक्स रिलैक्स। आई थिंक तुम्हें पैनिक अटैक हो गया। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। शालिनी रिलैक्स। मुझे नहीं पढ़ना प्लीज प्लीज रिलैक्स। नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना। यू आर इन सेफ हैंड्स। मुझे नहीं पढ़ना प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। प्रिपेयर द इंजेक्शन। ओके शालिनी जस्ट रिलैक्स। शालिनी रिलैक्स। शालिनी जस्ट रिलैक्स। शालिनी शालिनी रिलैक्स। शालिनी शालिनी रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स। यू आर इन सेफ हैंड। जस्ट रिलैक्स। जस्ट रिलैक्स। बचाओ हमें, प्लीज़ बचाओ हमें। वो आ रहा है, वो तुम्हें भी मार देगा। बचाओ हमें, प्लीज़ बचाओ हमें। बचाओ हमें, प्लीज बचाओ हमें। वो आ रहा है। बचाओ हमें, प्लीज बचाओ हमें। वो वापस आ गया है, वो तुम्हें मार देगा। उसने हम सबको मारा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन कौन मार देगा? वो देखो। शालिनी, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन किसको ले गया? कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा शालिनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेलो बेटा, बेटा ज्योति, ज्योति का कुछ दुनिया में नहीं रही हूँ। क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? ज्योति हमारे बीच नहीं रही अब। न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को। मैं मान ही नहीं सकती कि उसने खुदकुशी की। अंकल, आखिर सब हुआ कैसे? बेटे, कुछ दिनों से वो बहुत परेशान सी रहती थी। बार बार ये कहती थी कोई उसे लेने आ रहा है, पर कल अचानक उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ये मैडम लोग भी ना रद्दी जमा करके रखा है, किस काम का है ये? छी, कितनी डरावनी तस्वीर है। अरे मैडम, इतने डरावने चित्र घर में रखोगे तो शांति कहाँ से आएगी बताओ? ये क्या किया तुमने? कम से कम पूछ तो लेती। क्या हुआ मैडम? शालिनी, शालिनी बेटा, पापा, ये तो पापा की आवाज है। शालिनी, मोहित, शालिनी, पापा, यहाँ आओ। हाँ बेटा, मैं मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। आज मैं तुझे वो राज बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से हम सब फंसे हुए हैं। ज्योति की मौत, उन बच्चों की मौत जो तुम्हारे बचपन के दोस्त थे, और वो होबा कोबा का तुम्हें बार बार दिखना, ये सब कुछ उसी राज की वजह से है। और इन सब को खत्म करने के लिए तुम्हें अपने पुराने घर वापस जाना होगा, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। पापा, ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। शालिनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे अपने बचपन के घर जाना है। ये सब क्या है? मुझे वो घर जाना होगा। मुझे मेरे घर ले चलो। मुझे जाना होगा। मुझे अपने पुराने घर जाना होगा। लेकिन हुआ क्या? मुझे जाना होगा। शालिनी, क्या हुआ? शालिनी, मुझे घर जाना होगा। ठीक है, मुझे पुराने दोस्त, तुम चलो मेरे साथ। चलो शालिनी, जाना होगा। मोहित, वो देखो, वही निशान। ये निशान हमें जरूर कुछ दिखाना चाहते हैं। चलो। मोहित, इतने सारे निशान! ये तो बच्चों के पैरों के निशान है। ये आवाज सुनी तुमने? ये वो आवाज है ये वही आवाज है जो मुझे पहले से सुनाई देती थी। मैं तुम्हें बताती थी ना, ये वही बच्चों की आवाज है। मोहित, ये क्या हो रहा है? Just relax, शालिनी, just relax। ये बच्चे वही फोटो में मेरे बचपन के दोस्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो लड़की मुझे हॉस्पिटल में देखी थी, मैं तुम्हें कह रही थी ना। हाँ। ये वही लड़की है। चलो यहाँ से, चलो भागो। ये सब हमसे हेल्प मांग रहे हैं शालिनी। ज्योति की मौत, उन बच्चों की मौत जो तुम्हारे बचपन के दोस्त थे, और वो होबा कोबा का तुम्हें बार बार दिखना, ये सब कुछ उसी राज की वजह से है। और इन सब को खत्म करने के लिए तुम्हें अपने पुराने घर वापस जाना होगा। पापा ने मुझे यही कहा था, हमें उनकी मदद करनी होगी। चलो आओ। कौन है? शालिनी, आपको मेरा नाम कैसे पता है? याद है बचपन में तुम्हारी दोस्त ज्योति, उसके घर एक वॉचमैन काम किया करता था। वही वॉचमैन हूँ मैं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार। हाँ, उसके चंगुल से आजाद होना है मुझे। किसके? होबा कोबा। बहुत बुरा हुआ था उसके साथ बेटे। तुम्हारे पिता और तुम्हारे दोस्तों के पिताजी ने बहुत बेरहमी से मारा था, वो भी एक गलत इल्जाम पे। लेकिन वो एक गलत फहमी की वजह से था। और उसी गलत फहमी का गुस्सा उसकी आत्मा के अंदर समा गया, और तब से लेकर आज तक वो उन परिवार वालों के बच्चों को ढूंढ कर मार रहा है। तुम और तुम्हारी दोस्त ज्योति किसी तरह से वहां से भाग निकली बेटे, लेकिन वो आज तक तुम दोनों को भूला नहीं है। शालिनी, चलो यहाँ से। मेरे पास और कोई चारा नहीं था बेटे। एक ही शर्त पर वो मुझे आजाद करेगा, जब मैं तुम दोनों को किसी तरह से ढूंढ निकालूं। इसका मतलब आपने जानबूझकर हमें होबा कोबा तक पहुंचाया, इसलिए ज्योति मरी। और अब मैं हमें पता लगाना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता है, कहाँ जाता है? कोई रास्ता है और खोलो। शालिनी, तुम्हारे घर में ये कौन सी जगह है? पता नहीं मोहित, हमारे घर में ये रास्ता है, मुझे नहीं पता था। ये पेन तो पापा का पेन है। शालिनी बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? कोई जरूरत नहीं है सब करने की। मैं तुम्हें दिखाता हूं उसे कैसे मारना है। आओ मेरे साथ, चलो जल्दी करो, आओ मेरे साथ, आओ बेटा। शालिनी, आओ मेरे पास। शालिनी कहाँ जा रही? आओ मेरे साथ, आओ बेटा, आ जाओ। शालिनी, 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 शालिनी रुको, शालिनी जल्दी चलो। शालिनी, शालिनी कहाँ जा रही हो? शालिनी रुको। Şalenim. आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।